हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ ट्विन प्रेगनेंसी से जुड़े चार ऐसे कॉमन सवाल शेयर करने वाली हूँ जो हर किसी के मन में जरूर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या ट्विन्स एक ही प्लासेंटा एंड एक ही एमनियोटिक थैली शेयर करते हैं? कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो एक ही थैली एंड एक ही प्लासेंटा बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्विन प्रेगनेंसी के मामलों में ऐसा नहीं होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान 2 गुना कैलोरी का सेवन करने की जरूरत होती है? ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर ये एक बहुत ही ज्यादा गलत धारणा है कि आपको अपने बच्चों को पर्याप्त पोषण देने के लिए 2 गुना कैलोरी का सेवन करने की जरूरत होती है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान पोषक तत्वों की जो गाइडलाइन होती है वो केवल आपके गर्भ में पल रहे बच्चों की संख्या पर आधारित नहीं होती है। इस बात पर डिपेंड करती है कि जब आप प्रेग्नेंट हुए थे तो आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना था। आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपके शुरुआती वजन के अनुसार ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितना खाना चाहिए। औसतन यह अनुमान लगाया गया है कि ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान महिला की कैलोरी में केवल 40% की ही वृद्धि होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान एक बार में केवल उतना ही खाना है जितनी आपको भूख है। आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है और आपको जितना हो सके कोशिश करनी है कि आपको हेल्दी से हेल्दी ही भोजन करना है जिससे कि आपको और आपके बच्चे को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग विटामिन्स लेने की जरूरत होती है। आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान वही विटामिन्स लेने हैं जो कि आप किसी भी प्रेगनेंसी में लेते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान इन विटामिन्स के अलावा भी आपको फॉलिक एसिड एंड आयरन की टेबलेट जरूर देंगे और ये जो टेबलेट्स होती हैं वो आपको आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से बचाती हैं, इसलिए आपको इनका सेवन जरूर करना है। एंड चौथा सवाल है, क्या आपको ट्विन प्रेगनेंसी में डॉक्टर से बार बार मिलने की जरूरत होगी? कि हर ट्विन प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, लेकिन अगर आपके बेबी एक ही प्लासेंटा शेयर करते हैं तो ऐसे में आपको ऑटोमेटिक बार बार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको जरूर करानी है और आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एंड आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है तो आपको डॉक्टर के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप एक बात ध्यान रखें कि जब तक आप ट्विन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं उस समय आपको डॉक्टर ज्यादा बार भी देख सकते हैं। इसका रीजन है कि ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्प्सिया एंड समय से पहले डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।